लद्दाख में भारत और चीन की सेना के बीच 15 जून की रात जो खूनी झड़प हुई थी, जिसमें 20 जवानों की शहादत हुई थी, उसको लेकर मामला अब इस मोड़ पर है कि बीजेपी और कांग्रेस तो आमने सामने हैं, लेकिन जिसे विपक्ष का एक बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा कहा जा सकता है, वो शरद पवार नरेंद्र मोदी के कवच बनकर खड़े हो गए हैं। आपको बताते हैं कैसे। देखिए, चाहे वो सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, दोनों लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जबरदस्त तरीके से गलवान घाटी की हिंसा को लेकर हमलावर हैं। सोनिया गांधी ने बार बार कहा है कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है, जबकि पीएम ने साफ कहा था कि ना हमारी कोई जमीन में कोई घुसा है, ना हमारे पोस्ट पर किसी का कब्जा है। लेकिन सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, दोनों इस मुद्दे पर हमलावर रहे हैं। यहां तक कि सर्वदलीय बैठक हुई थी, आपको याद होगा, जिसमें सोनिया गांधी ने कई सवाल पूछे थे। उनमें से ये भी पूछा था कि हमारी कितनी जमीन पर कब्जा किया है, क्या हुआ है, आप बताएं। राहुल गांधी कितने हमलावर हैं, वो लगातार ये कह रहे हैं कि पीएम बताएं कि हमारे जवानों को निहत्था क्यों भेज दिया गया था। अब इन सब पर मैं आपके सामने शरद पवार के कुछ बयान पढ़कर सुनाना चाहती हूँ। इससे आप देखेंगे कि एक पूरा सिलसिला दिखता है, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि शरद पवार ऐसी तमाम मुश्किल घड़ियों में नरेंद्र मोदी पर बंदूक तानने के बजाय उल्टा उन्हीं की तरफ जाकर उनकी मदद में लग गए हैं, कांग्रेस पार्टी को आईना दिखाने में लग गए हैं। हम आपको बताते हैं, ये बयान ध्यान से सुनिए। जब उनसे ये पूछा गया कि जो इस वक्त गलवान घाटी में हिंसा हुई है, क्या आप मानते हैं कि सरकार उस पर पारदर्शिता नहीं रख रही है, या जो विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है वो विपक्ष को करना चाहिए, उन्होंने ये कहा, हम नहीं भूल सकते कि 1962 में क्या हुआ था। चीन ने हमारी 45,000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन पर कब्जा कर लिया था। ये जमीन अब भी चीन के पास है, लेकिन वर्तमान में मुझे नहीं पता कि चीन ने जमीन ली है या नहीं, मगर इस पर बात करते वक्त हमें इतिहास याद रखना चाहिए, राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर राजनीति नहीं करनी चाहिए। सियासी रूप से ये बहुत बड़ा बयान है, इसका बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है। देखिए, एक तो यूपीए का हिस्सा है एनसीपी शरद पवार, दूसरी तरफ महाराष्ट्र में इस वक्त जो सरकार चल रही है उसमें गठबंधन की सरकार है, शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की। ऐसी परिस्थितियों में जब राहुल गांधी, सोनिया गांधी पूरी ताकत से मोदी सरकार को घेर रहे हैं, ऐसे में अगर शरद पवार उल्टा राहुल गांधी और सोनिया गांधी को ही आईना दिखा देते हैं, तो इसे सीधे तौर पर ऐसा माना जा सकता है कि वो इस मुद्दे पर सरकार के साथ खड़े हैं। अब इसका अर्थ समझिए, पॉलिटिकली इसका अर्थ ये है कि ऐसे मुद्दे पर, जहां पर राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, वहां पर शरद पवार एक संकेत दे रहे हैं कि ऐसे मुद्दों पर वो प्रधानमंत्री के साथ है। लेकिन क्या ऐसा पहली बार हुआ है? मैं आपको बताती हूँ, ऐसा ही हुआ था राफाल सौदे के वक्त। जब राफाल के विमान का सौदा हुआ था, तब का भी मैं आपको बताऊं किस तरह से उन्होंने खुलकर कहा था कि हमें राफेल विमान खरीदारी के तकनीकी पहलुओं पर चर्चा करने की विपक्ष की मांग ठीक नहीं है। मतलब खुलकर इतने गंभीर मुद्दे पर, आपको याद होगा उस समय चौकीदार को लेकर किस तरह के स्टेटमेंट्स राहुल गांधी देते थे, वो प्रधानमंत्री को घेर रहे थे, ऐसे वक्त पर भी शरद पवार ने खुलकर प्रधानमंत्री का साथ दिया। कुछ ऐसा भी है कि कांग्रेस को लेकर भी शरद पवार एक दूरी बनाकर रखना चाहते हैं ऐसे मुद्दों पर, लेकिन वो प्रधानमंत्री के पक्ष में भी खड़े दिखाई देते हैं। अच्छा, पीएम ने भी एक बार उन्हें गुरु कहा था और कहा था वो सियासत के बड़े माहिर हैं। एक और उदाहरण है जिसमें मतलब प्रधानमंत्री ने अच्छी भाषा और प्रशंसा एक तरह से शरद पवार की थी। अच्छा, पद्म विभूषण भी उन्हें मोदी सरकार में ही मिला। कई बार ऐसे सियासी परिस्थितियां भी आई जिसकी वजह से महाराष्ट्र जब 2014 के चुनाव हुए थे, उस वक्त भी ऐसी परिस्थिति बनी थी, बीजेपी के पास कुछ कम सीट थे, तो कहा गया कि एनसीपी के साथ सरकार। उसके बाद राज्यसभा में जब डेप्यूटी स्पीकर के लिए चुनाव लड़ा जा रहा था, तब एनसीपी ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा था, फिर कांग्रेस ने बाद में बीके हरिप्रसाद को उतारा था राज्यसभा के डेप्यूटी स्पीकर सीट के लिए, जो कि हार गए थे। तो ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जो ये साबित करते हैं कि शरद पवार ने ऐसी मुश्किल घड़ियों में कांग्रेस का साथ देने के बजाय वो नरेंद्र मोदी के ही कवच बन गए, और खास तौर पर जब मुद्दा राष्ट्रीय हो। हालांकि इस बार जो महाराष्ट्र में सरकार बन रही थी, तो देवेंद्र फडणवीस जो कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे थे सुबह सवेरे शपथ ग्रहण लेकर, उसको तो परास्त कर दिया। अजीत पवार को वापस अपनी तरफ खींचने में शरद पवार कामयाब रहे, लेकिन ऐसे राष्ट्रीय मुद्दों पर खास तौर पर शरद पवार ने खुलकर कांग्रेस पार्टी को आईना दिखाया है, कहा है राजनीति में राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों को मत उलझाइए, और आप कह सकते हैं प्रधानमंत्री के कवच ही बनते नजर आए।